जब से हीरो कंपनी ने अपनी सुपर स्प्लेंडर एक्सट्रैक को लॉन्च किया है, तब से बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड हो गए हैं कि उनको हीरो सुपर स्प्लेंडर एक्सट्रैक लेनी चाहिए या फिर पुरानी वाली ही हीरो सुपर स्प्लेंडर लेनी चाहिए, उनके लिए कौन सी बेस्ट बाइक होगी। यदि आप भी कंफ्यूज्ड हो तो यह वीडियो खास तौर पर आप ही के लिए है। इन दोनों बाइक से रिलेटेड आपके सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में आसान शब्दों में मिल जाएंगे, जिससे आपको पता लगेगा कि आपके बजट और आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको इन दोनों बाइक में से आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए। भाई दोनों बाइक्स में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, फीचर्स में भी और उनकी प्राइस में भी, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष हाजिर हूँ सभी के सामने एक बार फिर से बाइक कंपैरिजन के साथ। सबसे पहले हीरो सुपर स्प्लेंडर के फीचर्स के बारे में जानेंगे और उसके बाद में इसको कंपेयर करेंगे हीरो सुपर स्प्लेंडर एक्सट्रैक से। ये है हीरो सुपर स्प्लेंडर का इस साल का सबसे लेटेस्ट मॉडल। सबसे पहले बात करते हैं इस बाइक के कलर की। इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही क्लियर किए देता हूँ, ये बाइक जो है मल्टीपल कलर्स में आती है। आप इस बाइक को ब्लैक कलर में भी ले सकते हो, ब्लू कलर में भी ले सकते हो, रेड कलर में भी ले सकते हो, और ये इस बाइक का कैनवास ब्लैक कलर है। यह मोटरसाइकिल 123 किलो की है और इस मोटरसाइकिल में आपको ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm का मिलता है। आइए अब इसका वॉक अराउंड करते हैं। ये है इस बाइक की प्रॉपर लेफ्ट प्रोफाइल, ये है इस बाइक की प्रॉपर राइट प्रोफाइल, ये है इस बाइक की प्रॉपर फ्रंट प्रोफाइल, जिसमें आप इसके हेड हैंडल ORBM के डिजाइन को देख रहे हो। इसके हेड पर यहाँ पर आपको हीरो का 3D में लोगो मिलता है। यहाँ पर कंपनी ने स्मार्टली क्रोम का यूज किया है, जो कि इसके लुक को काफी ज्यादा अच्छा बना रहा है। हेडलाइट की अगर बात की जाए तो इस बाइक में आपको हेलोजन बल्ब के साथ में ही इसका हेडलैम्प सेटअप मिलता है। बाइक स्टार्ट होते ही इसकी हेडलाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। थोड़े बहुत फ्लेक्सिबल साइड टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं, जिसमें कंपनी ने हेलोजन बल्ब का ही यूज किया है। फ्रंट सस्पेंशन की अगर बात की जाए तो फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं। फ्रंट मडगार्ड का डिजाइन कुछ इस तरीके का है, जो कि आपको बॉडी कलर में ही मिलता है। सस्पेंशन पर दोनों साइड में आपको रिफ्लेक्टर्स भी मिलते हैं। इस बाइक में आपको 18 इंचेस के अलॉय व्हील मिलते हैं। अलॉयस का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। बात करते हैं इसके फ्रंट टायर की। फ्रंट में आपको MRF कंपनी का एक बेहतर क्वालिटी का ट्यूबलेस टायर मिलता है, जिसका साइज भी मैं आपको दिखा देता हूं, जो कि है 80/18। फ्रंट टायर में ग्रिप्स कुछ इस तरीके की मिलती है। बात करते हैं इस बाइक के ब्रेकिंग सिस्टम की। इस बाइक में आपको IBS मिलता है, इसका मतलब होता है इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम। यह बाइक टोटल दो वेरिएंट्स में आती है। आप इसको ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम में भी ले सकते हो और डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम में भी ले सकते हो। इस बाइक के टैंक का डिजाइन कुछ इस तरीके का है, ये देखिए। यहाँ पर कंपनी ने सुपर स्प्लेंडर को मेंशन किया है, जो कि 3D में है। इस बाइक में आपको 12 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। आइए अब इसके सभी फीचर बटन देखते हैं। इसके लेफ्ट हैंडल पर डेडिकेटेड एक यहाँ पर आपको पासिंग स्विच मिलता है, लो बीम हाई बीम स्विच मिलता है, साइड टर्न इंडिकेटर स्विच मिलता है और उसके नीचे एक हॉर्न का स्विच मिलता है। इस बाइक की स्विच की क्वालिटी डिसेंट है। इसके राइट हैंडल पर डेडिकेटेड यहाँ पर आपको एक i3S की टेक्नोलॉजी वाला स्विच मिलता है और उसके नीचे एक सेल्फ का स्विच मिलता है। इसके हैंडल के सेंटर में यहाँ पर कंपनी ने हीरो को मेंशन किया है। इस बाइक के साथ में आपको दो चाबियां मिलती हैं, ये देखिए। इग्निशन के ऑन होते ही इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की जो स्टार्टिंग है कुछ इस तरीके से होती है। इस बाइक में आपको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। लेफ्ट साइड में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। लो फ्यूल इंडिकेटर मिलता है, न्यूट्रल इंडिकेटर मिलता है, यहाँ पर चेक इंजन इंडिकेटर मिलता है और यहाँ पर आपको हीरो का लोगो इंडिकेटर मिलता है। यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर मिलता है, जो कि एनालॉग में है। राइट साइड में यहाँ पर आपको एक डिस्प्ले मिलती है, जिसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेशंस मिल जाती हैं, जैसे कि इसमें आपको ऑडोमीटर मिलता है, ट्रिप मीटर देख लेते हैं है या फिर नहीं है। जी हाँ गाइस, इसमें आपको ट्रिप मीटर मिलता है, फ्यूल गेज मिलता है और डिजिटल क्लॉक भी मिलती है, और आप इसमें माइलेज भी देख सकते हो, एवरेज भी देख सकते हो, जो कि अभी यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। न्यू बाइक है भाई, इस वजह से। आइए गाइस, अब वहाँ की बात करते हैं जहाँ से इस बाइक की परफॉर्मेंस निकल कर आती है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझे, इस बाइक के इंजन की। इस मोटरसाइकिल में आपको 124.7 cc का सिंगल सिलेंडर एयर कूल BS6 FI 4-stroke 2-valve हीरो का एक बेहतर क्वालिटी का इंजन मिलता है। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 10.72 bhp की 7500 rpm पर और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 10.6 न्यूटन मीटर का 6000 rpm पर। इस बाइक में आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ गियरबॉक्स मिलता है। पैटर्न है फर्स्ट डाउन ऑल अप, ये देखिए। यहाँ पर आपको नीट एंड क्लीन मिलता है, कोई भी यहाँ पर आपको ग्राफिक्स नहीं मिलते हैं। यदि आप कैनवास ब्लैक कलर लेते हो तो अब इसमें कंपनी ने न्यूली ग्राफिक्स लॉन्च कर दिए हैं, आप उसको शोरूम से ही अपडेट करा सकते हो, अपनी बाइक पर लगवा सकते हो। इस बाइक की सीट का डिजाइन कुछ इस तरीके का है। इसकी सीट जो है काफी ज्यादा लंबी भी है, चौड़ी भी है।
राइडर के लिए भी काफी ज्यादा कंफर्टेबल है और प्लेन के लिए भी काफी ज्यादा कंफर्टेबल है और सॉफ्ट भी है। ये देखिए काफी अच्छी कुशनिंग का कंपनी ने इसमें यूज किया है। ग्रेवरेल का पैटर्न कुछ इस तरीके का है जो कि आपको बॉडी कलर में ही मिलता है, मेटल का है। सीट कॉल पर कंपनी ने यहाँ पर हीरो को 3D में मेंशन किया है। यहाँ पर चाबी लगाने का सेक्शन मिलता है जिसकी सहायता से आप इसकी सीट को ओपन कर सकते हो। कंपनी में रेडी साड़ी गार्ड भी मिलता है, लेडी फुटरेस्ट भी मिलता है। रियर सस्पेंशन की अगर बात की जाए तो रियर में आपको एडजस्टेबल हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिलते हैं। चेन सेट कवर मिलता है जो कि फाइबर का है। बात करते हैं इसके रियर टायर की, रियर में भी आपको MRF कंपनी का ही एक बेहतर क्वालिटी का ट्यूबलेस टायर मिलता है जिसका साइज भी मैं आपको दिखा देता हूं जो कि है 90-90-18। जी हाँ, फ्रंट वाले टायर से रियर वाला टायर जो है वो आपको चौड़ा मिलता है। रियर टायर में ग्रिप्स कुछ इस तरीके की मिलती हैं। ये है इस बाइक की प्रॉपर रियर प्रोफाइल। टेल लाइट में कंपनी ने हेलोजन बल्ब का ही यूज किया है। बात करते हैं इस बाइक के रियर ब्रेकिंग सिस्टम की। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, इस बाइक में आपको IBS मिलता है, इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम। जब भी आप रियर वाला ब्रेक अप्लाई करते हैं तो फ्रंट वाला ब्रेक जो है वो ऑटोमेटिकली लगेगा। रियर व्हील में कंपनी ने 130mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम दिया है। इस बाइक के एग्जॉस्ट का पैटर्न कुछ इस तरीके का है जो कि काफी ज्यादा मस्कुलर है। ये देखिए, इस पर आपको सिंगल मफलर मिलता है जो कि क्रोम में है। इस बाइक में आपको किक स्टार्ट का भी फीचर मिलता है जो कि काफी अच्छी बात है। इसके सभी इलेक्ट्रिकल फीचर्स दिखाता हूँ, इंजन साउंड सुनाता हूँ और मैं आपको इसका एग्जॉस्ट नोट भी सुनाता हूँ। जैसे ही इस बाइक के इग्निशन को ऑन करते हैं वैसे इसकी हेडलाइट ऑन नहीं होती है। साइड टर्न इंडिकेटर्स मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके का ये लुक प्रोवाइड करा रहे हैं। सिंगल प्रेस में ये बाइक स्टार्ट हो जाती है और बाइक स्टार्ट होते ही इसकी हेडलाइट भी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। अब आप इस बाइक के इंजन का साउंड सुनिए और इसका एग्जॉस्ट नोट भी सुनिए। बहुत से लोग हीरो सुपर स्प्लेंडर के अपडेट होने का वेट कर रहे थे, इसमें एक्सट्रैक्ट वेरिएंट के आने का वेट कर रहे थे, तो गाइस उन सभी लोगों का जो इंतजार था वो अब खत्म हो गया है। ये है हीरो सुपर स्प्लेंडर एक्सट्रैक्ट का इस साल का सबसे लेटेस्ट मॉडल। इस बाइक में कंपनी ने बहुत सारे नए नए बदलाव कर दिए हैं जिसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है और इसकी कीमत में भी बदलाव किया गया है। गाइस इस बाइक में आपको मल्टीपल कलर्स मिल जाएंगे और एक्सट्रैक्ट वेरिएंट में कंपनी ने कुछ नए कलर्स भी निकाले हैं, जैसे कि एक तो अभी आपके सामने ही है, इसका नाम है मैट एक्सेस ग्रे कलर। इसी का ही यहाँ पर एक और कलर खड़ा हुआ है जो कि रेड कलर में है। ये देखिए, इस बाइक का कर्व वेट है 121 kg का। जी हाँ गाइस, पिछले वाले मॉडल से इसका जो वेट है थोड़ा सा कम किया गया है और इस बाइक में आपको ग्राउंड क्लियरेंस 180mm का मिलता है। आइए अब इसका वॉक अराउंड करते हैं। ये है इस बाइक की प्रॉपर लेफ्ट प्रोफाइल, ये है इस बाइक की प्रॉपर राइट प्रोफाइल, ये है इस बाइक की प्रॉपर फ्रंट प्रोफाइल। इसके हेड को अब कम्प्लीटली चेंज कर दिया गया है। ये देखिए, डुअल टोन में अब आपको इस बाइक में इसका हेड मिलता है। यहाँ पर कंपनी ने हाफ ट्रांसपेरेंट ब्लैक कलर का वाइजर लगा कर दिया है जो कि काफ़ी मोटा है और इसकी बिल्ड क्वालिटी जो है काफ़ी बेहतर है। यहाँ पर हीरो का 3D में लोगो मिलता है। यहाँ पर कंपनी ने स्मार्टली क्रोम का यूज़ किया है। साइड में आपको ग्रे कलर मिलता है विद न्यूली ग्राफिक्स। ये देखिए, मुझे पर्सनली इसका ये वाला जो कलर है काफ़ी बेहतर लग रहा है। गाइस इस बाइक में आपको यहाँ पर इस शेप में LED DRL मिलती है और हेडलाइट की अगर बात की जाए तो इस बाइक में अब आपको फुल LED हेडलैम्प सेटअप मिलने लगा है। ये देखिए, यहाँ पर भी कंपनी ने LED को मेंशन किया है। इसकी हेडलाइट जो है काफ़ी ज़्यादा बेहतर लगती है। थोड़े बहुत फ्लेक्सिबल बल्कि नॉन फ्लेक्सिबल साइड टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं जिसमें कंपनी ने हेलोजन बल्ब का ही यूज़ किया है। बात करते हैं इसके फ्रंट सस्पेंशन की। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं। फ्रंट मडगार्ड का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है, ये देखिए, जो कि आपको बॉडी कलर में ही मिलता है। इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बेहतर है। इस बाइक में आपको 18 इंचेस के अलॉय व्हील मिलते हैं। बात करते हैं इसके फ्रंट टायर की। फ्रंट में कंपनी ने TVS कंपनी का एक बेहतर क्वालिटी का ट्यूबलेस टायर दिया है जिसका साइज भी मैं आपको दिखा देता हूं जो कि है 80-118। फ्रंट टायर में ग्रिप्स कुछ इस तरीके की मिलती हैं। दोनों साइड में रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं। बात करते हैं इसके ब्रेकिंग सिस्टम की। ये बाइक जो है दो वेरिएंट में आती है, आप इसको डिस्क वेरिएंट में भी ले सकते हो और ड्रम वेरिएंट में भी ले सकते हो। और इसमें आपको IBS मिलेगा, इसका मतलब होता है इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम। इस बाइक के टैंक का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। यहाँ देखिए, कंपनी ने सुपर स्प्लेंडर को 3D में मेंशन किया है। न्यूली ग्राफिक्स मिलते हैं। एक्सटेक को यहाँ पर मेंशन किया है कंपनी ने। ये देखिए,
और यहाँ पर कंपनी ने E20 को मेंशन किया है। ये देखिए, इस बाइक में आपको 12 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। आइए अब इसके सभी फीचर बटन देखते हैं। इसके लेफ्ट हैंडल पर डेडिकेटेड एक पासिंग स्विच मिलता है, यहाँ पर लो बीम हाई बीम स्विच मिलता है, उसके नीचे साइड टर्न इंडिकेटर स्विच मिलता है और उसके नीचे एक हॉर्न का स्विच मिलता है। इसके राइट हैंडल पर डेडिकेटेड एक I3S की टेक्नोलॉजी वाला स्विच मिलता है और उसके नीचे एक सेल्फ का स्विच मिलता है। इस बाइक के साथ में दो चाबियां मिलती हैं, ये देखिए नॉर्मल चाबी है। इस बाइक में आपको एक USB चार्जिंग पोर्ट भी मिलता है, ये देखिए लेफ्ट साइड में यहाँ पर, जिसकी सहायता से आप इमरजेंसी में अपने स्मार्टफोन को चार्ज कर सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। सबसे बड़ा बदलाव तो इसके यहाँ पर किया गया है, ये देखिए इस बाइक में भी अब आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलने लगा है। ये वही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जो कि आपको स्प्लेंडर प्लस एक्सटैक में मिलता है और पैशन एक्सटैक में मिलता है। सभी फीचर्स आपको इसमें सेम मिलते हैं। इग्निशन के ऑन होते ही इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की जो स्टार्टिंग है को जिस तरीके से होती है, इस मोटरसाइकिल में आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। जी हाँ गाइस, जो कंपनी ने एक्सटैक वेरिएंट नया वाला लॉन्च किया है उसमें आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। इसकी डिस्प्ले में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जैसे कि आपको इसमें स्पीडोमीटर मिलता है, ऑडोमीटर मिलता है और इसमें आपको ट्रिप मीटर भी मिलता है। जी हाँ, ये देखिए ट्रिप ए ट्रिप बी दो ट्रिप मीटर मिलते हैं और इसी के साथ साथ फ्यूल गेज मिलता है और इसमें आपको डिजिटल क्लॉक नहीं मिलती है। आप इसमें रियल टाइम माइलेज भी देख सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और इसी के साथ साथ इसको आप अपने स्मार्टफोन से भी कनेक्ट कर सकते हो, जिससे क्या होगा, आपके स्मार्टफोन पर कोई भी कॉल वगैरह आती है या फिर कोई भी SMS वगैरह आता है तो आप इसकी स्क्रीन पर ही देख सकते हो। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर ये शो करेगा। ये देखिए मोबाइल की बैटरी देख सकते हो, मिस कॉल देख सकते हो, मैसेजेस देख सकते हो, दोबारा से दिखाता हूँ, और भी बहुत सारे फीचर्स आपको इसमें मिल जाते हैं। और बाकी के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर्स जो हैं वो आपको यहाँ पर मिलते हैं और इसको कवर किया गया है क्रोम से, ये देखिए काफ़ी स्मार्टली, जो कि इसके लुक को वाकई में काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना रहा है। आइए गाइस, अब वहाँ की बात करते हैं जहाँ से इस बाइक की परफॉर्मेंस निकल कर आती है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझे, इस बाइक के इंजन की। गाइस, इस बाइक में आपको 124.7 cc का सिंगल सिलेंडर एयर कूल BS6 फेज 2 वाला FI 4 स्ट्रोक 2 वाल्व हीरो कंपनी का एक बेहतर क्वालिटी का इंजन मिलता है। जी हाँ गाइस, जो कि अब BS6 फेज 2 आने वाला है, कुछ लोग इसको BS7 भी बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो एक्चुअल में है वो BS6 ही है, लेकिन उसका फेज 2 अब आने वाला है, 1 अप्रैल 2023 से लागू हो जाएगा। और ये जो इंजन है वो BS7 रेडी है, आप कह सकते हो, ठीक है, और E20 जो पेट्रोल अब आएगा उसके लिए भी इसका इंजन रेडी है। इसके इंजन में इतना चेंज किया गया है, इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 10.72 BHP की 7500 RPM पर और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 10.6 न्यूटन मीटर का 6000 RPM पर। इसके इंजन से आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है, पावर भी अच्छा है, टॉर्क भी अच्छा है और इसी के साथ साथ माइलेज भी अब आपको इस बाइक से काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ गियरबॉक्स मिलता है, पैटर्न है फर्स्ट डाउन ऑल अप। इसके साइड पैनल पर अब आपको न्यूली ग्राफिक्स मिलने लगे हैं, जो कि टैंक से लेकर ये देखिए साइड तक गए हैं। इस बाइक की सीट का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है, इसकी सीट जो है राइडर और पिलियन के लिए काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, काफ़ी लंबी है और काफ़ी ज़्यादा चौड़ी भी है, काफ़ी अच्छी कुशनिंग का इसमें यूज़ किया गया है और न्यू वाला सीट कवर मिलने लगा है। ये देखिए वाइट कलर की स्टिचिंग है। ग्रेवरेल का पैटर्न कुछ इस तरीके का है, ये देखिए सॉलिड मेटल का है। बात करते हैं इसके रियर सस्पेंशन की। रियर में आपको मल्टी स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिलते हैं, कंपनी फिटेड साड़ी गार्ड मिलता है, लेडी फुटरेस्ट भी मिलता है और इसी के साथ साथ क्लीन फुटरेस्ट भी फोल्डेबल मिलता है। इस बाइक में आपको चेन सेट कवर मिलता है जो कि फाइबर में है। बात करते हैं इसके रियर टायर की। रियर में भी आपको TVS कंपनी का ही एक बेहतर क्वालिटी का ट्यूबलेस टायर मिलता है, जिसका साइज भी मैं आपको दिखा देता हूं, जो कि है 1990-18, यानी कि फ्रंट वाले टायर से आपको पीछे वाला टायर चौड़ा मिलता है। ये है इस बाइक की प्रॉपर रियर प्रोफाइल, ये देखिए टेल लाइट पुराने वाले ही पैटर्न में मिलती है, हैलोजन बल्ब के साथ में है। बात करते हैं इसके रियर ब्रेकिंग सिस्टम की। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, इस बाइक में आपको IBS मिलता है, इसका मतलब होता है इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम। जब भी आप पीछे वाला ब्रेक अप्लाई करेंगे तो फ्रंट वाला ब्रेक जो है ऑटोमेटिकली लगता है। उसका रेशियो होता है 60-40 का या फिर 70-30 का। रियर व्हील में आपको 130mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, चाहे आप इसको डिस्क वेरिएंट में लो या फिर आप ड्रम वेरिएंट में लो। इस बाइक में अब एक और नया बड़ा बदलाव किया गया है इसके साइलेंसर में।
ये देखिए, जो कि अभी तक आपको लगता था ना बहुत बल्की सा है, बहुत ह्यूज दे दिया है, लेकिन कंपनी ने अब देखिए इसमें कॉम्पैक्ट कर दिया है। काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है इसके लुक में। ये देखिए, इस पर आपको सिंगल मफलर मिलता है जो कि क्रोम में है। पिलियन फुट रेस्ट फोल्डेबल मिलता है। अगेन यहाँ पर एक प्रोटेक्शन मिलती है, राइडर फुट रेस्ट फोल्डेबल मिलता है। इस बाइक में आपको किक स्टार्ट का भी फीचर मिलता है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर I3S को मेंशन किया है। रियर ब्रेक लीवर, यहाँ पर अगेन एक मफलर मिलता है और यहाँ पर भी एक अगेन मफलर मिलता है। ये है इस बाइक की प्रॉपर राइड प्रोफाइल। अब बात करते हैं इसके सभी वेरिएंट्स की और उनकी प्राइस की। ये बाइक जो है टोटल 4 वेरिएंट्स में आती है। आप इस बाइक को डिस्क वेरिएंट में भी ले सकते हो, ड्रम वेरिएंट में भी ले सकते हो, और जो कैनवास ब्लैक कलर है वो आपको डिस्क वेरिएंट में भी मिल जाएगा और ड्रम वेरिएंट में भी मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसकी प्राइस की। गाइस, ड्रम वेरिएंट में यह बाइक कॉन्डोर लगभग आपको 94,000 रुपए के आसपास मिल जाएगी और डिस्क वेरिएंट में कैनवास ब्लैक में यह बाइक कॉन्डोर लगभग आपको 1,00,000 रुपए के आसपास मिल जाएगी। अब बात करते हैं माइलेज की। आप इस बाइक से मैक्सिमम 60 तक का माइलेज निकाल सकते हो, फिर वो आपकी राइडिंग पर डिपेंड करता है और आपकी बाइक की कंडीशन पर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं इसके सभी वेरिएंट्स की और उनकी प्राइस की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये अब एक्सटेक वेरिएंट में अपडेट हो गई है, तो इसमें आपको 2 वेरिएंट मिल जाते हैं। आप इसको डिस्क वेरिएंट में भी ले सकते हो और ड्रम वेरिएंट में भी ले सकते हो। एक्सोरूम प्राइस की अगर बात की जाए तो इसकी एक्सोरूम प्राइस है लगभग 82,000 यानी कि 82,000 रुपये के आसपास, और ऑन रोड प्राइस की अगर बात की जाए तो इसकी ऑन रोड प्राइस है लगभग 98,000 यानी कि 98,000 रुपये के आसपास। अब बात करते हैं इस बाइक के प्रोज एंड कॉन की। सबसे पहले बात करते हैं इसके प्लस पॉइंट की। गाइस, इस बाइक में जो जो इसमें बदलाव किए गए हैं वो इसके सभी प्लस पॉइंट में ही जाते हैं। जैसे कि इस बाइक में अब आपको फुल LED हेडलैम्प सेटअप मिलने लगा है, LED DRL मिलने लगे हैं, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलने लगा है जिसमें आपको ब्लूटूथ की भी कनेक्टिविटी मिल जाती है, ठीक है। और इसी के साथ साथ इसका जो प्रॉपर कलर थीम है वो कंपनी ने चेंज कर दिया है, न्यूली ग्राफिक्स दे दिए हैं, और इसी के साथ साथ इसमें जो एग्जॉस्ट है वो कंपनी ने अब चेंज कर दिया है, जिसकी वजह से इस बाइक का जो लुक है वाकई में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लग रहा है। और एक और इसमें आपको प्लस पॉइंट मिल जाता है, इसमें अब आपको E20 का सपोर्ट मिल जाता है, BS6 फेज 2 वाला इंजन मिल जाता है, जिसकी वजह से ये बाइक जो है अब फ्यूचरिस्टिक बाइक हो गई है। अब बात करते हैं इसके कॉन की। गाइस, मुझे इसमें ऐसे कुछ खास कॉन लगे हैं नहीं जिसकी वजह से मैं आपसे कह सकूं नहीं भाई ये बाइक आपके लिए परफेक्ट नहीं होगी। आइए गाइस, अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की। नो डाउट गाइस, फीचर वाइज हीरो सुपर स्प्लेंडर एक्सट्रैक्ट ज़्यादा बेहतर है, लेकिन इसकी प्राइस जो है नॉर्मल वाली सुपर स्प्लेंडर से लगभग 4,000 से 5,000 रुपये महंगी है। मेरे सजेशन की अगर बात की जाए तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हीरो सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक को ही खरीदें, क्योंकि ये बाइक जो है एक फ्यूचरिस्टिक बाइक हो गई है। तो दोस्तों, बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल या फिर कोई भी सुझाव हो कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई टेक्निकल SST YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और इंपॉर्टेंट वीडियोस, जी हाँ भाई इंपॉर्टेंट वीडियोस, समय समय पर लाता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।